गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 5th of July और आज हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था अवर ऑर्गन्स, उसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो आज लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रेन के बारे में, हार्ट और लंग्स के बारे में, यानी कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे स्टमक, जिसे आप लोग बैली और टमी भी कहते हैं. ठीक है, सो ये हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का. जैसे कि व्हेन वी ईट फूड इट पासेस फ्रॉम अवर माउथ टू अ फूड पाइप लाइक द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अ फूड पाइप. फूड पाइप मतलब हमारा गला. जब हम कुछ भी खाते हैं, च्यू करते हैं, उसके बाद खाना हम गले में उतारते हैं, ये हुआ हमारा फूड पाइप. ठीक है, इसके थ्रू ये खाना हमारे स्टमक में आता है लाइक दैट. द फूड पाइप एम्प्टीज द फूड इन टू अ जे शेप्ड स्केल कॉल्ड स्टमक. यानी कि जे के शेप में ये होता है, जिस तरीके से एक जे बनाते हैं. ठीक है, इस टाइप के शेप में ये हमारा स्टमक होता है. इट इज़ एन इलास्टिक ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन. यानी कि ये हमारे जो इंटेस्टाइन रहता है उसी के ऊपर फिट होता है. इट स्टोर एंड द चर्न्स फ्रॉम फूड विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड ब्रेक दैम इन टू टाइनी पार्टिकल्स. जब हम खाने के टुकड़े को अच्छे से चबाकर अपने गले से उतारते हैं तो स्टमक में जाता है. स्टमक में ये अच्छे से डाइजेस्ट होता है और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स मीन मतलब छोटे छोटे टुकड़े, एंड दिस गेट मिक्सड विद द डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस इनसाइड द स्टमक. हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो भी खाना खाते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. और लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारी बॉडी में एज अ ब्लड थ्रू आउट होता है. देन द फूड इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स फॉर द फर्दर डाइजेशन. खाना खाने के बाद हमारा जो बाकी मटेरियल्स रहता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसकी वजह से हम उसको और अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं. तो ये तो था हमारे स्टमक का प्रोसेस. स्टमक में मेन चीज़ें थी फूड पाइप, इसके बाद स्टमक, और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किडनीज. ये जो आप शेप देख रहे हैं ये हमारे किडनीज का है. इसे हिंदी में गुर्दे कहा जाता है. ये हमारी एट्रिस और वेन्स से कनेक्ट रहता है. द किडनी आर द बीन शेप. बीन यानी कि जैसे एक बीज का शेप होता है, ठीक इसी तरीके के शेप की हमारी किडनी पाई जाती है. वी हैव टू किडनीज. हमारे बॉडी में दो किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड. One of the right side and the other on the left side. The right kidney is slightly smaller than the left kidney. यानी कि जो right side की kidney होती है वो हमारी left side की kidney से थोड़ी सी smaller, यानी कि small size की होती है. One kidney filter and remove excess salt and water from our body in the form of urine. इस लाइन का मतलब है कि किडनी हमारी बॉडी में फिल्टर का काम करती. फिल्टर यानी एक तरीके से छन्ने का काम. जिस तरह हमारा पानी हम छन्ने में छानकर अच्छा पानी लेते हैं, उसी तरीके से जो भी आपकी बॉडी में आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा कि पानी और खाने में भी सॉल्ट और सॉल्ट की मात्रा, शुगर की मात्रा पाई जाती है. तो आपकी बॉडी में यूरिन और सॉल्ट को आपकी बॉडी से एज अ यूरिन बाहर निकालने का काम किडनी करती है. आफ्टर दैट स्टमक और किडनी हमने समझ लिया. अब हम कुछ फिट एंड हेल्दी हैबिट्स पढ़ते हैं. हियर आर सम टिप्स टू कीप अवर ऑर्गन्स हेल्दी. प्ले बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स सच एज क्रॉसवर्ड, रिडल्स, फुटबॉल एंड क्रिकेट. क्रॉसवर्ड एंड रिडल ये इंडोर गेम्स होते हैं और फुटबॉल और क्रिकेट ये आउटडोर गेम्स होते हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे क्रॉसवर्ड और रिडल का हमारी हेल्थ से क्या लेना देना. लेना देना इसलिए है क्योंकि क्रॉसवर्ड और रिडल दिमागी तौर पर खेले जाने वाले खेल होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन और ज़्यादा शार्प होता है. फुटबॉल और क्रिकेट ये हमारी फिजिकली तौर पर खेले जाने वाले खेल होते हैं, जो कि आउटडोर खेले जाते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है.
एक्सरसाइज रेगुलरली इन प्लेस वेयर यू कैन गेट फ्रेश एयर. हमेशा खुली हवा में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रातःकाल उठना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ होती है वो डे बाय डे और इम्प्रूव होती जाती है. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. पर्याप्त जितना भी हमारी बॉडी को 70% पानी चाहिए रहता है, वो 70% पानी हमें पूरे दिन में पीना चाहिए. ईट फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स एंड द डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट का मतलब होता है दूध, पनीर, घी, मक्खन. ये भी हमें अपने डाइट में यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें फैट होता है और प्रोटीन होता है. ईट फूड्स दैट आर रिच इन अ फाइबर सच एज अ सीरियल्स, ग्रेन्स एंड द ब्रेड टू कीप योर ऑर्गन्स हेल्दी. जो भी हम ईटिंग हैबिट्स रहती हैं हमारी, अच्छी चीज़ें हम खाते हैं, उससे हमारी बॉडी और हमारे ऑर्गन्स बहुत ही ज़्यादा फिट होते हैं. रेस्ट एंड स्लीप वेल फॉर एटलीस्ट 8 hours इन अ डे. पूरे दिन में सिर्फ 8 घंटे ही हम सोना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए सफिशेंट टाइम है, न इससे कम न इससे ज़्यादा. लेट अस रीकैप. ये जो रीकैप वाला पॉइंट है ये अब हम देखते हैं. इसमें अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब डिस्कस होगा. द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर एक्टिविटी एंड हेल्प अस थिंक एंड रिमेंबर. हमने सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ा था. तो ब्रेन की क्या एक्टिविटी रहती है कि उसकी हेल्प से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं. द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट की क्या एक्टिविटी थी कि वो पंपिंग करता है, ब्लड बनाता है और उसी ब्लड को पूरी बॉडीज में नसों के द्वारा पहुंचाता है. द लंग्स हेल्प इन ब्रीथिंग. लंग्स की सबसे मेन एक्टिविटी होती है ब्रीथिंग की, सांस लेना. द किडनी फिल्टर अवर वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो वाटर और सॉल्ट पाया जाता है उसे हमारी बॉडी से फिल्टर करके एज अ यूरिन हमारी बॉडी से बाहर करने का काम किडनी करती है. द स्टमक हेल्प डाइजेस्ट फूड. स्टमक खाना पचाने में मदद करता है. वी शुड ईट हेल्दी फूड, एक्सरसाइज रेगुलरली, रेस्ट एंड स्लीप वेल. हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और वो भी पर्याप्त समय. इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए हमारी जो बॉडी होती है वो एक प्रॉपर हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है. थैंक यू.